हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं, मतलब देखने ये नहीं पता मेरे को कहाँ जा रहे हैं। पहले अभी बाहर चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ। रात को बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई थी यहाँ पे, बहुत तेज हुई थी फ्रेंड्स। देखो मौसम अभी तो एकदम साफ हो रखा है, नीचे रोड गिला है, यहाँ पानी नहीं रहता ना, ये रोड जब से नया बनाया तब से। और फिलहाल तो अभी फ्रेंड्स मैं नहाने जा रहा हूँ, आपको नहा के मिलता हूँ। फ्रेंड्स मैं नहा लिया, अभी उनको चीनी ला के दे रहा हूँ नीचे से, उसने कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी में चीनी डाली नहीं, मेरे को बोल रही मैं सागर पी ले, पूरा मुंह कोड़ा हो गया मेरा। अभी फ्रेंड्स बारिश आ रही थी ना रात को, तो अभी पूरा टैंकी का पानी एकदम चिल्ड ठंडा हो रखा है। ये अच्छा दादी बार भेड़ा धो रहे हैं, ये खाते हैं चीनी, देखता हूँ फ्रेंड्स चीनी हुआ। गाइस आप देख सकते हैं हम कम से कम 20 मिनट से यहाँ नया गांव में खड़े हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि क्या बताएं। यहाँ पे मोस्टली इस टाइम सुबह सुबह के टाइम यही हाल होता है। ये दोनों तरफ से फंसी है ना। सुबह सुबह नहीं है, ये कल संडे था ना, ऑफ डे था, आज मंडे है, मरते है वर्किंग डेज पे यही हाल होता है। अच्छे में लग गया पूरा, यहाँ पे भी साफ नहीं आ रहा। देखो हमारी कार बीच में फंसी हुई है ना मम्मी, कर सकते हैं। और मुझे जैसे लग रहा है देख के आधी घंटा और जाम नहीं खत्म होना। हाँ पूरा आगे तक है, बहुत आगे तक है। यहाँ बन चुकी है 5 लाइनें, 4 जाने वालों की, 1 आने वालों की। देखते हैं कितनी देर में निकला जाएगा यहाँ से। अभी ट्रैक्टर वगैरह भी देखो, सारे इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर आएंगे तो लगेगी जाम। जा रहे हैं कावड़ लेके, कावड़ लेके आ रहे हैं। हाँ वही कावड़ लेके अपने घर को जा रहे हैं ना, हरिद्वार से चले हैं कावड़ लेके और ये अपने अपने घर जा रहे हैं। ये कावड़ यात्रा चल रही है अभी, सावन का महीना है ये पूरे, मतलब 15 दिन ही तक, जो सावन के 15-20 दिन होते हैं। हाँ जब तक किसी भी दिन ले जाओ ना, कभी भी ले आ सकते हैं कावड़ ले आके सावन के महीने में। फिर अपने अपने गांव में जो भी मंदिर है शिव जी का, वहाँ जल चढ़ाएंगे, कावड़ चढ़ाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। जब तक ये पैदल यात्रा ही कर रहे हैं, हरिद्वार से कावड़ पैदल यात्रा लेके आए हैं, यानी 15-20 दिन में ना पूरे सावन के महीने में। हर एक गांव में ऐसे यात्री जाते हैं कावड़ लेने। और ये लगाया हुआ है क्या आने वाला है, टीचों का बिस्कुट, फिरनिया, केवर। अरे यहाँ तो कावड़ चढ़ा भी रहे क्या? ये देखिए मंदिर जैसे, मंदिर नहीं, कावड़ यात्रा के लिए, कावड़ियों के लिए। हाँ जैसे चाय पानी का कर रखा है ना, रेस्ट वगैरह करने के लिए बहुत कर रखा है। तो नहीं फिर नहीं खानी है साथ में लेके जाएगी। ये हमारा ब्लॉगर सो चुका है और ये कद्दी एक पीछे बैठी है खाने के लिए ना, एक घंटे से मांग रही है। क्या मांग रही है खाने के लिए, याददाश्त भी चली गई। तीन तो लड्डू खा चुकी है उसके चूरी के, और तो भी नहीं खाया। और फिर भी कह रही मैंने रोटी खाई है। क्या सुना, देखो सुबह कोल्ड कॉफी पैकेट भी खा गई है, कोल्ड कॉफी बनाई। चल वो इसने नहीं पी, इसने क्योंकि बेड पे गिर दी, नहीं पी। बाद में इसने क्या किया, चूरी खा ली, चिप्स का पैकेट दे दिया। मैंने 5 चिप्स खाए बस, 10 खा ली थी पैकेट, इसने खा लिए 5-5 एक बार में। ये खा के चित भी तो हो गया। अर्जित की ना यू पूछ, इसकी उल्टी भी अर्जित की पूछ रही है, यू पता तो क्या खाएंगे अब, कब काढ़ा खाएंगे। ये छोटी बच्ची दूध भी नहीं पी के आई है। उधर सामने फिर देख कावड़ी आ रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। सारे रास्ते ही कावड़ी ही मिले हैं, ये देखो सारे रास्ते है दूर तक। वैसे मौसम कितना अच्छा लग रहा है,
ऐसे ना कहने की बात होती है समझे गगन। अच्छा तू बता मौसम अच्छा है कि नहीं है? मौसम तो और ज्यादा अच्छा हो जाता ना जब माँ के दर्शन हो जाते हैं। यूं बता बाहर का मौसम कैसा है? अच्छा है ना? दर्शन होते कैसा हो जाएगा? मैंने तो ऐसे कहा भी नहीं कि मेरी मम्मी का घर आने वाला है तो मुझे मौसम अच्छा लग रहा है। ये ना दिमाग का वहम होता है बस बंदों का। ये देखो ये है रेस्ट कर सके और लंगर खा सके क्योंकि पैदल यात्रा ही चल रही है रेन की। रेस्ट भी कर सके ये देखो ये लेके जा रहा है कावड़ लेके आ रहा है हरिद्वार से ये भी। इतनी गर्मी है ऊपर से पैदल यात्रा हरिद्वार से अपने अपने अरे पीछे देखा आपने जो 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर लगातार 10-10 दिन चलना। आपने पीछे काम वाले ने पता है क्या इतनी बड़ी बड़ी ओनियन दी है जैसे मटका नहीं होता है इतने बड़े बड़े ले रखे थे 4 मटके जितने उसमें पानी मतलब पानी तो होता ही होगा भरा हुआ। पानी से भरा होता है। और सोचो बाहर सोचो गंगा जल ये शिव जी को चढ़ाते हैं जाके। ये सोचो गर्मी कितनी है इतनी गर्मी में देख लो है ना बंदे का पैदल चलना औखा है। ये कहाँ को आ गए पहुंच गए। हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी मम्मी का घर आने वाला है। मुझे तो और भी मौसम सुहाना लग रहा है ठंड भी लगन लगी। मेरे तो दिल में खुशी समाई नहीं रही है। आपको तो नहीं लग रहा चड्डा चुड्डा ठंड ठंड? आप भी तो ससुराल नहीं जा रहे हो है लग रहा है। जब आप यहाँ से मतलब आप कल परसों तक जब वापिस जाएंगे तब आपको ऐसा ही सुहावना मौसम लगेगा है ना। अंदर से ठंडी फीलिंग आएगी है ना। ऐसे ही होगा। आपको गर्मी तो नहीं लग रही ससुराल में ससुराल ला रहा है 5 मिनट रुकना है फिर हमने भागड़ के लिए निकल जाना है। तो ये बताओ 5 मिनट के लिए मेरे को सुहावना मौसम कैसा लगने लग गया? तेरे को तो लगेगा तेरे लिए मैंने पार्क भी बनवा दिया यार। नहीं मैं तो यहाँ मतलब पार्क देखा हुआ आपके लिए बनवाया नहीं पता था इनका जवाई आएगा। देखा अरे ये गुरुद्वारा है ना नहीं श्री बसंत माता मंदिर है। बसंती माता मंदिर है गगन भी है बसंती की गगन। यहाँ से ना झाड़ू वाली शॉप है बहुत बड़ी तेरे को अगर उसमें से छोटी सी झाड़ू बनवा के लेनी है सूटकेस में डालने के लिए ले, ले, अरे सागर भी उठ गया गुड मॉर्निंग। सर फूट गया था पापा ने तेरे को जगाना था। फ्रेंड्स नानी के घर पहुंच चुके हम। अरे आप क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स मैं कार में आके बैठ चुका हूँ अभी और नानी और को ले लिया है अभी कपड़े वगैरह ले रहे हैं नाना के। नाना तो अभी गए हैं हॉस्पिटल गए हैं कुछ चेकअप करवाने अभी आएंगे तब दिखाएंगे उन्हें भी मैं दिखाऊंगा आपको उन्हें भी। तो अभी तो ना उन्हें 2 घंटे लग रहे हैं तो फिर वो हिसार में बिल्लू नाना के घर रुक जाएंगे और हम वहाँ पर जाएंगे ना फिर मत्था टेक के गूगा मेडी मत्था टेक के नानी और के साथ फिर हम वापस सीधा हिसार चल जाएंगे। अभी आ रहे हैं दिखाता हूँ आपको मेरे फोन से। आ देखो फ्रेंड्स कितने ज़्यादा ये तो बहुत बड़ी होगी फ्रेंड्स। मत्था तो चलो मेरा इतना नहीं है मत्थे पे यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फोन सी है मेरे ये तो यहाँ पे। फ्रेंड्स देखो पापा जी आगे सामान रख रहे हैं अभी गायत्री नानी पीछे और भी गगन कब क्या चल रहा है रोटी रोटी खा ली सब्जी स्वाद थी ना थप्पड़ ना खा लियो क्यों मैंने क्या करा झूठे क्या करा
फ्रेंड्स हम बागड़ पहुंच गए, पापा जी वहां से प्रसाद ले रहे हैं। अब हम पैर चल रहे थे, चलो मम्मी पैर जल गए। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत धूप है, बहुत ही ज़्यादा धूप, बहुत धूप है ना पापा जी, गर्म पूरा पड़ा। यहाँ से साइडों में से जाना पड़ेगा। मम्मी आ जाएगा, चप्पल वाले चप्पल पैर जल गए। कैसे बड़े मजे यार। फटाफट चलना पड़ेगा, साइड साइड में से आना। बहुत अभी यहाँ पे ठंडा आएगा, मेरे को भागना पड़ेगा। मम्मी साइड साइड में से चलो दो आते हैं। भागो 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 पीछे वो पीछे ले बाबा, ना 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 वो पीछे आ रहा है, वो पीछे रहता है। 10 रुपए और कितने की चाहिए? 10 रुपए बढ़िया है। फ्रेंड्स पूरे पैर जल चुके हैं यहाँ पे। आय 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 पीछे भी देखो जले हुए पैर लेके आ रहे हैं। तो छाव है, छोड़ो यहाँ से फ्रेंड्स भाग के निकलना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमने गुग्गा मेडी का मत्था टेक लिया यहाँ पे। हाँ वहाँ पे जा ही रहे थे, चलते रह रहे थे, रुका नहीं। यहाँ पे कम पैर जले पर वहाँ पे तो पूरे रुकना नहीं है कहीं ना, बस चलते रहना। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम के मंदिर। यहाँ पे पता खाटू श्याम पे पहुँच गया, लेट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मंदिर बंद होने वाला 10 बजे, अभी 9:45 हो रहे हैं, 25 मिनट है हमारे पे, बस देखते पहुँच पाएंगे कि नहीं। 15 मिनट रह गए फ्रेंड्स, बस 25 नहीं 15। पापा जी आ गए, चल रहे नाना नानी, वो तो पीछे ही रह गए। मम्मी वो तो धीरे चल रहे। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं डिनर करने यहाँ पे होटल से, उनका जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे। हाँ जी हेलो, श्री श्याम जी के दरबार में श्याम रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए बैठे हैं। थक गए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एक ही दिन में सफ़र बहुत लंबा हो सकती है। देख लो आपकी जनानी को भड़का रहे हैं ताकि घर जाके लड़ाई हो जाए।
कैसा सर अनुभव आपका बागड़ यात्रा का, कैसा अनुभव? पैरों का कैसा, पैर कैसे लगे? आपको तो खेत में मैंने ठंडे ठंडे रस्ते से भिजवाया तभी दूर से आके अपने नेड़े दिया मका ये राह भी क्या है चंडीगढ़ चंडीगढ़ से मकान सामने तभी लिया है लिया तो है लिया तो उसने था रोटी हो गई रोटी फ्रेंड्स अभी रात बहुत हो चुकी है, एक बज गया है। अभी हम जा रहे हैं सरला सर, वहाँ पे होटल का रूम बुक कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे जाके सोएंगे। फ्रेंड्स आपको बोलूँगा मैं सुबह, मत्था वगैरह टेकेंगे ना फ्रेंड्स। अब आपको मैं पार्ट टू में, बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।